जिला बांसवाड़ा ई कंटेंट कार्यक्रम राकेश कुमार पाटीदार व्याख्याता भूगोल विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलाना विषय भूगोल कक्षा 12वीं अध्याय राजस्थान खनिज व उद्योग प्रकरण ग्रामीण विकास डेयरी उद्योग जिला बांसवाड़ा ई कंटेंट कार्यक्रम नमस्कार ई कंटेंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं राजस्थान खनिज एवं उद्योग। खनिज एवं उद्योगों के संदर्भ में हमने पहले कुछ बिंदु पढ़ लिए थे, खनिज हमने पढ़ लिया था, उद्योग में कुछ उद्योग हमने पढ़ लिए थे। आज का हमारा उद्योग है डेयरी उद्योग। पशु संपदा के अनुसार राजस्थान में डेयरी उद्योग की अच्छी संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए डेयरी उद्योग के विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। राजस्थान में सन 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। विभाग की स्थापना डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान में डेयरी उद्योग जो है वह राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है, और ये जो डेयरी उद्योग है उसमें सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी जो समितियां हैं, जो सहकारी संघ है, वह जिला स्तर पर संचालित होते हैं। जिला स्तर पर दूध को इकट्ठा करके उसको स्टोरेज करके अन्य जगह पर पहुंचाया जाता है। डेयरी विकास के काफी संभावनाएं होने के बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान की जो डेयरी विकास के लिए शीर्षस्थ जो संस्था है वह सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, जो कि संपूर्ण डेयरी उद्योग को संचालित करने का कार्य करता है। डेयरी उद्योग में जो सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा पशु आहारों का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ घी, पनीर, दही, दूध, मक्खन आदि का भी जो है वो निर्माण किया जाता है, और सहकारी संघों के माध्यम से उसको राज्य में वितरित किया जाता है। राज्य में डेयरी उद्योग की काफी संभावना है। राज्य का पड़ोसी राज्य जो कि गुजरात देश में शीर्षस्थ स्थान रखता है डेयरी दुग्ध उत्पादन में। राजस्थान भी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से काफी फला फूला है, लेकिन हम देखेंगे डेयरी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में कुछ बातें। तो राजस्थान में 1970 में संपूर्ण देश में चलाए गए जो क्रांति है, उस क्रांति के संदर्भ में 1970 में राजस्थान में भी ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का जो मूल उद्देश्य था संपूर्ण राज्य में एवं संपूर्ण देश में जो कि दुग्ध उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि करना या अधिकांश वृद्धि करना। जो ऑपरेशन फ्लड जो चलाने का श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को, जिन्होंने 1970 में पूरे देश में ऑपरेशन फ्लड जो है वो चलाने का कार्य किया था। दुग्ध क्रांति जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है को चलाने का श्रेय जो है वो जाता है। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ राजस्थान में गोपालन के संदर्भ में कुछ बिंदु देखेंगे हम। राजस्थान में गोपालन 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल 577.32 लाख पशु थे। संपूर्ण देश का लगभग यह पशु संपदा 10% है, और उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का पशु संपदा के मामले में, पशुधन के मामले में द्वितीय स्थान है। संपूर्ण राजस्थान में पशु जो घनत्व है वह 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण राजस्थान में 1000 जनसंख्या पर 842 पशु विद्यमान है। संपूर्ण जो पशु संपदा है उस पशु संपदा में सबसे अधिक गो वंश का स्थान आता है। लगभग 133 लाख गो वंश जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद में भैंस, भेड़, बकरियां और अन्य पशु जो घोड़े, गधे, ऊंट सभी पशुओं को सम्मिलित करने के बाद में ये सभी पशु संपदा की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में राजस्थान में गोवंश के हिसाब से सर्वाधिक गोवंश जो है वो उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर के बाद में चित्तौड़ का स्थान आता है गोवंश के मामले में, और न्यूनतम गोवंश जो है वह धौलपुर में पाया जाता है। अगर भेड़ों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़े बाड़मेर एवं बीकानेर में पाई जाती है। अन्य पशुधन की बात करें तो जैसे कुछ मात्रा में सभी जगह पर भैंसे पाई जाती है, बकरियां पाई जाती है, घोड़े पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान में देखा जाए तो ऊंटों की संख्या भी सर्वाधिक है।
ऊंट को भी राज्य राजकीय पशु का जो राजस्थान में अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है। उसके बाद में हम गौ पालन जो वंश है उनका अगर क्षेत्रीय विस्तार देखें तो राजस्थान में कई नस्लों की गायें जो है वो पाली जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है गीर का। गीर मूलतः सौराष्ट्र की जो गाय मानी जाती है जो गुजरात में आता है। इसे स्थानीय क्षेत्र में रेंडा एवं अजमेरी के नाम से जाना जाता है। अगर गीर का क्षेत्र देखें यह दूध देने में अच्छी मानी जाती है। इसमें अगर दूध की मात्रा भी अच्छी होती है और इसमें फैट की मात्रा भी अच्छी होती है और काफी मात्रा में एक समय में अच्छा दूध दे देती है। इसलिए जो पशु को इस गिर नस्ल की गाय को राजस्थान में पाला जाता है। राजस्थान में गिर नस्ल की गायों को अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाली जाती है, तो लगभग गिर जो गुजरात की मूलतः गाय इसलिए गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाली जाती है। अगर देखे तो गिर नस्ल की गाय सबसे पहले राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ और उदयपुर में गिर नस्ल की जो गाय पाली जाती है। इसके बाद में नंबर दो आता है थारपारकर। थारपारकर जो है स्थानीय जो गाय की नस्ल है ये, और ये मालाणी नस्ल की जो है वो मालाणी इनका मूल स्थान है। जैसलमेर इनका मूल स्थान माना जाता है। मालाणी नस्ल जो है वह जैसलमेर में सर्वाधिक पाली जाती है और यह दूध देने के लिए प्रसिद्ध है जो कि पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में अगर देखें तो थारपारकर कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और जालौर में पाई जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर में देखें तो नागौरी नस्ल भी राजस्थान की मूल नस्ल है और इससे देखा जाए तो यह नागौर का मूल स्थान है। नागौर का सुहाला क्षेत्र में इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और यह इनके जो गौ वंश में जो बैल होते हैं वह दौड़ने में और हल जोतने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भार वाहन के लिए ये प्रसिद्ध है। इनका मूल स्थान नागौर होने के कारण नागौर के आसपास के जो जिले हैं उनमें यह पाई जाती है। जैसे बीकानेर है, नागौर है, कुछ मात्रा में जोधपुर है, नोखा, तहसील बीकानेर में भी इनकी मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में नंबर चार आता है राठी। राठी नस्ल भी राजस्थान में पाली जाती है। लाल सिंधी साहिवाल की मिश्रित प्रजाति है और यह दूध देने में अग्रणी मानी जाती है और इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। दूध देने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यह नस्ल मूलतः बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर में पाली जाती है और यह डेयरी उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गाय मानी जाती है। इसके बाद में आता है कांकरेज। इस नस्ल को भी राजस्थान में पाला जाता है और यह इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण माना जाता है और यह भार वाहन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मात्रा में यह बाड़मेर एवं जालौर के सांचौर क्षेत्र में पाई जाती है और जालौर के नेहर क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में ये जो है वो पाली जाती है। इसके बाद में नंबर आता है नंबर पांच हरियाणवी। हरियाणा जो राज्य है उसके आसपास के क्षेत्रों में हरियाणवी जो है वो नस्ल की गाय पाली जाती है। यह भार वाहन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मूलतः हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, चोरू, सीकर आदि जो जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में देखेंगे हम मालवी। मालवी नस्ल की मूलतः मालवा जो इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और यह मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जिलों में जो है वो पाई जाती है। इनका मूल जो है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र माना जाता है। मुख्यतः यह भारवाही नस्ल मानी जाती है और यह राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इसके बाद आती है सांचौरी। सांचौरी नस्ल भी राजस्थान में पाली जाती है और यह मूलतः राजस्थान की नस्ल मानी जाती है और जालौर के सांचौर क्षेत्र में इसका जो है अधिकांश गोवंश जो वहां पर पाया जाता है और यह अन्य क्षेत्रों में अगर देखें तो सिरोही और उदयपुर में भी कुछ मात्रा में ये नस्ल जो पाई जाती है। इसके बाद में मेवाती। नाम से स्पष्ट है यह मेवात क्षेत्र में पाई जाती है और यह भार वाहन एवं दूध के लिए पाली जाती है। इस नस्ल का स्थान जो अगर देखा जाए तो भरतपुर एवं अलवर
मुख्यतः माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान में कुछ विदेशी नस्ल की गाय भी पाई जाती है। विदेशी नस्लों में होलस्टीन, जर्सी, रेड डेन डेनमार्क की मूल गाय है, ये कुछ मात्रा में ये भी पाली जाती है। तो इस तरह से राजस्थान में गोवंश जो है वो संपूर्ण गायों की नस्ल के हिसाब से इनको इस तरह से अलग अलग आधार पर बांटा गया है। इसके बाद में राजस्थान के गोवंश संवर्धन के प्रयास जो अगर देखें तो राजस्थान में देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम, कामधेनु योजना, केंद्रीय एवं राज्य गाय प्रजनन फार्म की स्थापना आदि के माध्यम से जो है वो राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयास जो वो किए जा रहे हैं। गौशालाओं के आधुनिकीकरण, उन्नत नस्ल के पशुओं का वितरण, गोपालन को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दरों पर अनुदान, तथा डेयरी उत्पादों का उत्पादन, विपणन की व्यवस्था, राजस्थान में पशु विभाग द्वारा पशु मेलों का आयोजन, इस प्रकार से राजस्थान में जो है वो पशु संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। हुकामत उतारा।